हरी बोल हरी कृष्ण। हरी बोल। हरे कृष्ण हरी बोल हरी कृष्ण। हरी बोल। आपको पतितानं पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इसमें ये था उधर का उधर का पानी पानी आपको 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 तपश्चर परम गुरुदेव ने चलेगा पुरुषोत्तम विष्णु पार तो उन्हें लेते भक्ति दान वामन के सेना रहे लगा रहे तो सबसे पति मां भक्ति दान करके एक कम उसे न रहे ने चलेगा पुरुषोत्तम विष्णु पार तो उन्हें पति भक्ति दान कर नारायण जी उसे महाराज जी ने चलेगा सबसे पति तो भक्ति के लिए दान के उसे महाराज जगत गुरु गोपाल समय तो पार तो गोपाल गोपाल को गुरु वर कर सफल कर गोविंदानंद प्रभु सफल कर भक्ति के प्रकार राम जी आज एक विशेष तिथि है हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के जो तीन स्तंभ जो तीन आचार्य उनमें से एक उनका आज सुबह आविर्भाव व्यास पूजा तिथि है। हमने कल से उनके आशीर्वाद की तिथि के उपलक्ष्य में उनके कुछ गुणगान को उनके कुछ महिमा को श्रवण किया था। आज सवेरे भी महाराज जी के बारे में कुछ श्रवण किया। फिर उनके पश्चात अभी भी गुरुदेव यहाँ पे उपस्थित थे तो चरणों में कुछ वार्षिक पुष्पांजलि अर्पण करने की प्रयास करता हूँ। ये जो आचार्य हुए पूज्यपाद भक्ति विक्रम गोस्वामी महाराज जी हमारे बूढ़े वेदांत के तीन आचार्य तीन जो आचार्य है उनको संबंध अभिदय और प्रयोजन के आचार्य बताए गए। जिस प्रकार महाप्रभु के पात्र रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को संबंध अभिदय और प्रयोजन के आचार्य सिद्धांत बताया गया उसी प्रकार हमारे जो वेदांत समिति में ये तीन जो मूल चीज है संबंध अभिदय और प्रयोजन। संबंध अर्थात हमारे कृष्ण के साथ क्या संबंध है हमारे गुरुवर्ग के साथ क्या संबंध है हमारे वैष्णव के साथ क्या संबंध है ये जो चीज को हमारे भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने स्थापन किया दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा देते थे वैष्णव को वैष्णव बनाते थे कंठी तिलक धारण करना सिखाते थे और कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है हम किस प्रकार के गुरुदेव के साथ हमारा क्या संबंध है किस प्रकार से हम गुरुदेव की सेवा करेंगे प्रत्येक चीज को हमारे भक्ति वामन गोस्वामी महाराज दीक्षा देते थे। और जो प्रयोजन आचार्य हमारे क्या प्रयोजन है हमारे एम क्या है हमारे लक्ष्य क्या है ये बात तो सबको पता ही है कि हमारे गुरुदेव छोटे से छोटे बच्चे को भी लेके बहुत बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े तक भी पूछते थे कि आगे चल के क्या बनोगे हमारा एम क्या होना चाहिए। एक चीज में अटकते थे राधा दास्यम कि हमारा उद्देश्य राधा रानी का नित्य दास
तो जो प्रयोजन है वो प्रयोजनार्थ के जो आचार्य हुए हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, और आज जिनके शुभ आविर्भाव तिथि है वो है अभिधेय तत्व के आचार्य। जिस प्रकार जीव को शासन करते हैं, अभिधेय मतलब भक्ति में भक्ति करने के लिए हमको प्रयोजन प्राप्त करना है, राधा दास्यम प्राप्त करना है, तो राधा दास्यम संबंध हो चुका है। अब हमारा एम फिक्स हो गया कि हमको राधा दास्यम प्राप्त करना है, राधा रानी के दास बनना है, दासी बनना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को आचार्य बताया करते थे। किस प्रकार का इन्होंने अपने जीवन में बस एक चीज को बड़े रूप में इन्होंने बताया। देखो हमारे जो तीन आचार्य हुए ना, इनको बोलते हैं कि गौड़ीय वेदांत समिति के तीन स्तंभ है, इनके ऊपर ही पूरा का पूरा गौड़ीय वेदांत समिति ये हमारा टिका हुआ है। तो तीन ये प्रमुख स्तंभ है, और ये इनको बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। यद्यपि हर साल इस बात के ऊपर चर्चा होता है कि किस प्रकार का ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार हमारे भक्ति अनुभावों से हमारा दीक्षा देते हैं और जोड़ते हैं, और किस प्रकार का पालन करते हैं हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, और किस प्रकार के जो संहार करते हैं, संहार अर्थात मारते हैं क्या, किस प्रकार के जो संहार करते हैं हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, तो किस प्रकार वो संहार करते हैं। संहार मतलब जो जीव के जो आसक्ति है वो आसक्ति को वो काटते हैं अपने वाणी के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा, अपने विचार के द्वारा। जीव के हृदय में जो आसक्ति है उसी आसक्ति को वो काट डालते हैं। तो देखो इन्होंने जीवन में एक चीज के ऊपर विशेष रूप में ध्यान दिया, वो है भोगवाद। भोगवाद के ऊपर इन्होंने विशेष रूप में प्रचार किया। किस प्रकार का कृष्ण बहिर्मुखा हो या भोग वांछा करे निकट मायादार छापटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुख होने से किस प्रकार जीव भोग वांछा करता है और उसी भोगवाद में पूरा का पूरा आसक्ति हो जाते है। तो इसी रूप में इनको बताया जाता है कि संहार करते हैं, कि पूरा का पूरा आसक्ति को खंडन करते हैं, और कथा ऐसे बोलते हैं किसी चीज में निर्भय हर समय पूरा निडर होके ऐसे कथा बोलते हैं। एक समय के बाद है किस प्रकार के आसक्ति को छुड़ाते हैं। देखो एक समय के बाद है देवानंद गौड़े मठ में परिक्रमा के बाद कुछ गृहस्थ भक्त आए थे, और कुछ गृहस्थ महाराज जी बैठे नीचे देवानंद गौड़े मठ में। एक गृहस्थ भक्त, एक पति और पत्नी हाथ को ऐसे पकड़ के, जैसे पकड़ते हैं ना पूरा ऐसे पूरा छिपक के पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। तो महाराज जी के फैन ने वो महाराज जी देखे 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 फिर जाके खट करके बुला के, बोले क्या कर रहे हो? बोले हम तो धाम के दर्शन कर रहे हैं। बोले दर्शन क्यों करते हो? तो वहां पे बता रहे कि दर्शन इसलिए करते हैं कि हमारा आसक्ति छूट जाए। तो महाराज जी वहां पे विचार देते, देखो तुम धाम में आए हो, धाम के दर्शन करने के लिए आए हो, और दर्शन करने से भगवत चरण में आसक्ति हो और सांसारिक जो विषय में आसक्ति छूट जाए, तुम तो यहाँ उल्टा कर रहे हो। तो किस प्रकार का वो पूरा का पूरा निर्भय होके निडर होके वो बताया करते थे। और एक दूसरे बात बताया करते थे कि एक समय के बाद है कि इन्होंने बचपन से ही इनका यही स्वभाव था। जब ये बचपन में थे इनका नाम था राधानाथ इनका नाम था। तो ये बचपन से कि इस प्रकार का इनके बचपन से देखा जाता है किस प्रकार ये पूरा निर्भय रहते थे। एक समय बचपन में इनके गांव में कोई ज्योतिष आ जाता है, तो ज्योतिष को देखते ही सब लोग वहां पे आ जाते हैं। ज्योतिष को देखते एस्ट्रोलॉजर वाला है वो एक दो का भाग्य भविष्य बता दे तो वहां पे पूरा का पूरा भीड़ हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं मेरा हाथ देखो मेरा हाथ देखो पूरा का पूरा। माता जी लोग तो जानते ही होंगे कैसे किस प्रकार के ज्योतिष को देखा जाते हैं, क्या क्या हमारे यहाँ पे लिखा है बता दो। तो ये बताते बताते वहां पे बहुत भीड़ हो गया। फिर बाद में महाराज जी आते हैं अंतिम में बचपन में। तो बचपन में जब महाराज जी आते हैं फिर वहां पे किस प्रकार उन्होंने जाके पूछते हैं कि आप अपने भाग्य भविष्य को जानते हो कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ मैं अपना भाग्य भविष्य में क्यों नहीं जानू, मैं दूसरे को भविष्य बताता हूँ, मेरे भविष्य में खुद जानता हूँ। तो बताओ आप कितने दिन जियोगे? महाराज जी पूछते हैं बताओ आप कितने दिन जियोगे? तो वहां पे वो ज्योतिष बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो बोलता है कि मैं तो अभी बहुत साल जीने वाला हूँ, अभी इतने जल्दी नहीं मरूंगा। तब महाराज जी पीछे से जाके उसके गला को दबाने शुरू करते, इतना जोर से दबाते हैं। वो बोलते हैं छोड़ो 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 छोड़ो, वो बोलते हैं लेकिन महाराज जी छोड़ते नहीं। बोलो अभी मरोगे कि नहीं? बोले अभी छोड़ दो अभी मर जाऊंगा। तो बोलते कि अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि ज्योतिष तुम बड़े बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम अभी अभी बोल रहे थे।
कि तुम नहीं मरोगे, आप बोल रहे हो कि तुम मर जाओगे, इसका मतलब तुम्हारा ज्योतिष गलत है। तो इस प्रकार का कपटता जो हृदय में होता है उसको भी किस प्रकार खंडन करते हैं और वहां पे उसको ज्योतिष को भगाया, बोले आज से आज के बाद यहाँ हमारे गांव में आना नहीं। इस प्रकार का उन्होंने कपटता को भगाया। और किस प्रकार आसक्ति जो गांव लोग जो ज्योतिष साधारण जो भोग वृत्ति साधारण अंधविश्वास में जड़ जाते थे जुड़ जाते थे तो उनको भी पूरा का पूरा उनके आसक्ति को ही छुड़ाया। तो वहां पे महाराज जी ने सब गांव वालों को बिठा के समझाते हैं कि देखो यद्यपि हमारा भाग्य भविष्य पता चल जाए तब भी क्या होने वाला है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के भी जो भाग्य भविष्य है, शिव जी के भी जो भविष्य है, वो जो भूत है आगे चल के वो कितने कितने काल तक उनका समय अवधि है और उनको वही करना है। उनको ब्रह्मा भी चेंज नहीं कर सकते, देवता भी अपने भविष्य को चेंज नहीं कर सकते। कितने कितने असुर स्वर्ग पे आक्रमण कर लेते हैं, हम कथा सुनते हैं ना, तो देवता लोग भाग जाते हैं और अपने भविष्य को चेंज कर पाते हैं क्या? बोले नहीं। इसलिए तो हम तो तुच्छ बद्ध जीव है, हम क्या अपने भविष्य को चेंज करेंगे। इस प्रकार का महाराज शिक्षा देते हैं और बोलते हैं केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ये संभव हो सकता है। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान विधि कलम काटे खान खान, कि किस प्रकार कृष्ण भक्ति अगर हमारे बलवान हो जाए तो विधि का जो लिखनी है जो भाग्य भविष्य वो सब कुछ खत्म कर देगा, वो सब कुछ नष्ट कर देगा और भगवान का प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। तो बचपन से इन्होंने निर्भय से इसी चीज को स्थापन किया, नित्य महापुरुष का लक्षण है। अब देखो थोड़ा हमारे भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज जी से इनके जो संबंध है, गुरुदेव का इनका संबंध 60 साल से भी ज्यादा था, इनका और गुरुदेव का संबंध 60 साल से भी बहुत अधिक था। तो जब हमारे भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज आए मठ में, उनसे ज्यादा नहीं 4-5 साल पहले इन्होंने मठ में आए, फिर भी जब इन्होंने मठ में आए इनके अप्रकट तिथि पे हमारे गुरुदेव भक्तिवेद परम गुरुदेव भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज जी इनका अप्रकट तिथि पे बस एक लाइन में पुष्पांजलि देते हुए बोलते हैं कि जो मेरे गुरुदेव अर्थात परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी ने मुझे कभी शासन नहीं किया, लेकिन मुझे शासन मुझे तो देख गुरुदेव को देख के तो सब ब्रह्मचारी डर जाते थे और कौन शासन करेगा, कोई कोई कुछ बोल नहीं पाते थे। तो गुरुदेव परम गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे जो गुरु अर्थात भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज मुझे कभी शासन नहीं किया, लेकिन भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ऐसे हुए कि कभी कभी मुझे प्रीति पूर्वक शासन किया करते थे, मुझे डांट लगाया दिया करते थे, मुझे शिक्षा दिया करते थे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो ध्यान देने वाला बात कि एक लाइन पे गुरुदेव का यही वाणी है, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं जब परम गुरुदेव अप्रकट हो गए तो किसी ना किसी रूप में ये मेरे हृदय में गुरु के आसन पर बैठ गए। कौन? भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, ये किसी ना किसी रूप में अपने हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के हृदय में गुरु के आसन पर बैठ गए। तो बोलते हैं ये मेरा शिक्षा गुरु पाद पद्म है। जब इन्होंने मठ में आए भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज जी, तब इनको बोलते हैं कि इन्होंने मुझे रोसे सीखा, इनके प्रेरणा से मैं कीर्तन सीखा, इनके प्रेरणा से मैं प्रचार सीखा। तो इसी दृष्टि से ये मेरा शिक्षा गुरु पाद पद्म है। किस प्रकार का हमारे गुरुदेव और भक्तिवंत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी में अटूट प्रेम का संबंध था। तो ये बोलते हैं कि जिस प्रकार रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बोलते हैं तत्त कर्म प्रवर्तन लक्षण, तो किस प्रकार जो उत्साह है निश्चय है धैर्य है ये सारे के सारे चीज एक एक दृष्टांत है, समय नहीं है, एक एक उनके जीवन चरित्र है। बाला कितना तो एक एक दृष्टांत है कि इस प्रकार जो उत्साह देते थे कि जब गुरुदेव प्रचार करने जा रहे थे तब वहां पे देवानंद गोड़े मठ में बहुत सारे लोग उनको रोक टोक करे कि अभी अभी आए नारायण ये क्या प्रचार में जाएगा, तो बहुत सारे उनके विरोधी में आए। लेकिन उसी रात में पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज गुरुदेव के रूम में जाते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं देखो तुम जिस प्रकार के गुरुदेव के अर्थात हमारे परम गुरुदेव का भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का सेवा करते हो ना, वैसे सेवा हम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो चीज है ना वो हम चाहकर भी किसी को दे नहीं सकते। एक समय के बाद है किस प्रकार हमारे गुरुदेव ने त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी परम गुरुदेव के लिए चप्पल लाए, चप्पल तो परम गुरुदेव एक पहने कुआ ने
फिर दोबारा तक फिर भी हुआ नहीं, छोटा बड़ा हो गया। लेकिन जब भक्त नारद गोस्वामी महाराज जी को पता चला और लेके जब आए और प्रकट करके पहले हाँ ये नारायण। इसका मतलब ये नहीं है कि परम गुरुदेव को भक्त त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से प्रीति नहीं था, वो तो सबसे पहले इनको ही आचार्य बनाने में प्रस्तुत थे। तो यहाँ पे भक्त त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि किस प्रकार तुम जो सेवा कर सकते हो ना, तुम्हारे ऊपर जितना हमारा गुरुदेव अर्थात भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी प्रसन्न है उसी प्रकार और हमारे ऊपर इतने रूप में प्रसन्न नहीं है, इतने मात्रा में प्रसन्न नहीं है। इसलिए गुरुदेव के मनोविष्ट को पूर्ण करने के लिए, प्रभुपाद को मनोविष्ट को पूर्ण करने के लिए तुमको प्रचार में जाना है। किस प्रकार का प्रेरणा देते थे उत्साह और धैर्य। जिस समय गुरुदेव ने देवानंद गोड़े मठ से चले गए तो उनके ऊपर इग्जाम लगा कि 3-4 लाख लेके चले गए। तो वहां पे भक्ति वेदांत वहां पे एक लेटर लिखते हैं भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की, ये जो भी लोग बोल रहे हैं ना ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये मूर्ख मायावाद लोग बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कोई आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो किस किस प्रकार का धैर्य देते हैं, निश्चय देते कि आप जरूर कर सकते हो। हर समय जब गुरुदेव पत्र लिखते थे ना ये तुरंत ही उनका सब चीज छोड़ के वो रिप्लाई देते थे, पत्र के माध्यम से उसको रिप्लाई दे देते थे। और किस प्रकार का उन्होंने सब शिक्षा दिया, प्रसाद बनाने में, कीर्तन करने में, हर एक एक शिक्षा दिया। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अप्रकट के बाद इन्होंने मेरे हृदय में गुरु के आसन पे बैठ गए। तो किस प्रकार का गुरुदेव हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उनको अपने हृदय में शिक्षा गुरु के स्थान दिया था। तो इनके जीवन चरित्र में और दृष्टांत आता है, जो माया है उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। जिसके लिए रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि ये बड़े दुस्तज्य है, कि इसको बड़े कठिन है माया को जीतने के लिए। जिनके लिए ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं अपने पुत्री के पीछे दौड़ के भाग जाते हैं, और जिसके लिए शिव जी मोहित हो जाते हैं, और जिसके लिए नारद जी तो मोहित हुए ही हुए, सबको पता है रामायण में किस प्रकार का मोहित हुए नारद जी हरिमुख से। तो ये जो माया है ये देवता नारद ब्रह्मा शिव जी सबको मोहित करके रखा है, लेकिन हरिदास ठाकुर मोहित हुए। हरिदास ठाकुर के परीक्षा लेने के लिए साक्षात माया आ गई इरावती विषय। वहां पे हरिदास ठाकुर को खुद वो माया सरेंडर हो गया, खुद माया वो प्रणाम करने लगा। महाप्रभु के पार्षद का इस महात्मा है, महाप्रभु के पार्षद कभी माया में वशीभूत नहीं होते, उसी प्रकार का महात्मा प्रभुपाद के पार्षद में भी है, वो माया में वशीभूत नहीं होते। यद्यपि देखा जाता है कि इनके जीवन चरित्र में ये इन्होंने शादी किया, बहुत सारे लोग के ये किया, इन्होंने शादी कर लिया, लेकिन किस प्रकार का उनका वैराग्य है एक अगर दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ये तो पहले टीचरशिप करते थे, पहले बहुत टीचरशिप भी करते थे, और ये आयुर्वेद का बहुत उनका शिक्षा था। बहुत सारे गांव के लोग इनके पास आते थे, जब कोई बीमार हो जाए तो इनके पास आते थे। तो जिस समय ये घर छोड़ के आए तो घर छोड़ने के बाद इनके पत्नी देवानंद गोड़े मठ में आते हैं, और देवानंद गोड़े मठ में आके इनको ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें इनके ये तो पहले से टीचर तो थे, उस समय का टीचर और उस समय का आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उसको छोड़ के मठ में आ गए। तो इनके पत्नी आते हैं, बोले आप चलो मैं मर जाऊंगी, नहीं आप नहीं जाओगे तो ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाने लगते, रोने लगते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं मर जाओ, किरोसिन मिट्टी का और यहाँ से ले लो और माचिस मेरे पास, तुम डाल दो अपने ऊपर किरोसिन में माचिस लगा के मर जाओगे तुम। तो इस प्रकार का तो सब लोग ब्रह्मचारी लोग बोलते महाराज आप क्या बोल रहे, आपने की बोल से महाराज कि आप क्या बोल रहे, ये नहीं तुम चुप रहो ये बार बार परेशान करते रहेंगे। तो किस प्रकार माया भी उनसे दूर हो गए, इसी प्रकार का महात्मा प्रभुपाद के पार्षद गुरुवर्ग के पार्षद का महिमा है, माया भी उनको छू नहीं सकता। पर जिस प्रकार का प्रभुपाद ने बताया ना कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया से जा रहे से तो वैष्णव, कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा और भागिनी चार चीज जिसको जो नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं बोल रहे, ये चार चीज जिसको छोड़ दिया, इसको छोड़ना बड़े मुश्किल है, लेकिन ये चार चीज जिसको विशेष रूप में छोड़ दिया, बाकी नहीं किस प्रकार उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। और प्रतिष्ठा हमारे गुरुदेव बोलते थे महाराज जी कि इनके जो योग्यता है, जब जिस समय पे इनके योग्यता है कि गुरुदेव का मानी है कि चंडी पाठ से लेके जूता सिलाई तक, जूता सिलाई से लेके चंडी पाठ तक
हमारे उड़ीसा में बोलते हैं ना, घास काटने से लेके घोड़ा चलने तक, मतलब एक एक चीज सब चीज में ये धुरंधर थे, कीर्तन में, तथा में, विचार में, और सब ब्रह्मचारी को पालन करने में, पोषण करने में, रोते करने में, ठाकुर सेवा करने में, हर चीज में धुरंधर थे, हर चीज में उनका योग्यता था। तो जिस समय आचार्य जी का निर्णय हो रहा था, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने तीनों आचार्य को बुलाया, नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति बावन गोस्वामी महाराज, भक्ति नारायण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को, तीनों आचार्य जी को बोला और बोलते हैं कि आप तीनों में आचार्य हो गया। तो उसी समय भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उनका क्या देखता था, वो बोलते हैं कि मेरा तो आप जिसको ही आचार्य कर लोगे, मैं उनके अनुगत्य में अपने पूरा का पूरा जीवन उनके अनुगत्य में रह के मैं भजन करूंगा, अभी मेरा आचार्य होने का कोई योग्यता नहीं है। इस प्रकार का जब प्रतिष्ठा भी आता है ना, तो प्रतिष्ठा भी देखता है भाई इसके पास अभी मेरा कुछ काम है, प्रतिष्ठा खुद के खुद छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार का उनका दीनता है। जब जन्माष्टमी के अवसर पर, जब जन्माष्टमी बहुत बड़े उत्सव होता था, तो जन्माष्टमी के जब अवसर होता था तो हर समय एक नियम होता था कि हमारे गुरुदेव भक्तिवत्सल नारायण गोस्वामी महाराज जी इनके हाथ में माइक पकड़ा देते थे कि बोलो आप पहले बोलो। हर समय हमारे गुरुदेव ने इस चीज को विशेष रूप में ध्यान दिया कि वो हमारे शिक्षा गुरु पादपद में, इवन की जब गिरिराज उत्सव होता था, जिस समय मठ में जो भी उत्सव होता था, तो सबसे पहले भक्तिवत्सल नारायण गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव ने उनके हाथ में आरती करवाते थे, बोले आप आरती करो पहले, इनको पहले प्रसाद दो, इनको पहले इनको माला दो, इनको पहले स्वागत करो, संबंधन संबोधन करो। हर समय गुरुदेव ने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो सबसे पहले गुरुदेव का वैशिष्ट्य है कि गुरुदेव इनके माइक देते थे कि आप कुछ बोलो। तो देखो जब जन्माष्टमी के अवसर हुआ तो जन्माष्टमी ने इन्होंने एक चीज बोला कि जन्म कृष्ण जन्म के जो उपलब्धि है, कृष्ण जन्म के जो उपलब्धि है वो भक्त के संग से होता है। महाराज जी बोलते हैं कृष्ण जन्म की जो उपलब्धि वो भक्त के संग से होता है, और आज तक तो मुझे भक्त संग हुआ ही नहीं। बोलते हैं आज तक मुझे भक्त संग हुआ ही नहीं और कृष्ण जन्म का उपलब्धि तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको भक्त संग भी हो चुका है और जिसको कृष्ण जन्म का उपलब्धि भी हो चुका है, ओ कृपा करके, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ ओ कृपा करके यहाँ पे सारे भक्त को कृष्ण जन्म की उपलब्धि करवा दे। इतना करके मांछा कर बदल बोल दिया। तो किस प्रकार का तो किस प्रकार का उन्होंने दीनता दिखाया, वहां पे बताते हैं कि मैं तो बड़े अभाग्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो गुरुदेव माइक पकड़ के बोलते हैं माया में घिसर रहे, ये कृष्ण को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, इसलिए बोल नहीं रहे। तो इस प्रकार का उनका दीन था। 1997 में इन्होंने जब नवदीप धाम का परिक्रमा हो रहा था, तो नवदीप धाम का जब परिक्रमा हो रहा था तो ऋतुदीप में इन्होंने भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने बोले कि आप महाराज जी पहले धाम की महिमा बताओ। तो महाराज जी बोले देखने लगे मैं धाम की महिमा बताऊं। तो महाराज जी हाथ में माइक पकड़े और पूरा का पूरा मंगलाचरण किया, स्तुति किया, और जैसे होता है ना ऐसे प्रणाम किया। प्रणाम के बाद बोले कि जो नवदीप धाम है ये अभिन्न गुप्त वृंदावन है, ये वृंदावन से अभिन्न है, ये गुप्त वृंदावन है, यहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिजा, यहाँ पे सब चीज है। और जो गुप्त वृंदावन के धाम का जो महिमा है, धाम का जो स्वरूप है, वो वास्तव में किसके हृदय में प्रकाशित होता है, जो धाम के वास्तव में जो उसका पात्र हो, और मैं तो उसका पात्र ही नहीं, इसलिए मुझे धाम का स्वरूप का उपलब्धि हुआ ही नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको ये धाम का महिमा का उपलब्धि हो गया है, जो ये धाम के स्वरूप को वास्तव में जानते हैं, वही सही सही रूप में आप लोगों को प्रकाशित कर दे। इतना बोल के बादशाह कल्पतरु बोलते। तो किस प्रकार का उनका दीनता है,
जिस प्रकार का उनका दिनता है कि एक समय पे ऐसे हर समय करते हैं महाराज जी, हर समय करते हैं। एक समय पे पूरी से छोटा गोपीनाथ पे गए थे, अब छोटा गोपीनाथ पे भी वैसे ही पुरुषोत्तम परिक्रमा में गुरुदेव ने उनके हाथ पे माइक दे दिया, तो वो बोलते हैं कि मैं तो इतना दिन परिक्रमा किया, मेरा कुछ बुरा ही नहीं। तो वास्तव में जो बद्ध जीव है वो क्या सोचेंगे, अरे त्रिविक्रम पूजे का त्रिविक्रम महाराज बोल रहे इतना दिन परिक्रमा किया कुछ नहीं हुआ, और हमारा हो जाएगा क्या। तब झट करके महाराज जी हमारे भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि वास्तव में इनके ही धाम का परिक्रमा का फल उपलब्धि हुआ है, इसीलिए ये दीनता दिखा रहे, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ये हर समय धाम में जो क्या धामवासी जन है प्रणति करिए माकी व कृपा ले, कि धाम के वासी को ये वास्तव में किस प्रकार का प्रणति करते हैं, धाम के स्वरूप इनको चक्षु में किस प्रकार दर्शन होता है, इसलिए वो भाव को ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये हर समय वो धाम के स्वरूप के भाव में डूबे रहते हैं, और डूबे रहेंगे तो बताएंगे कैसे। तो इसी प्रकार का आप जो शिक्षा, तो इनको किसी ब्रह्मचारी ने भक्तिवंत लतीफ विक्रम गोस्वामी महाराज जी को बोला कि आप हर समय बोलते हो, आप तो सब चीज आपके हृदय में प्रकाशित है, आप सब जानते हो सिद्धांत शास्त्र तत्व, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं बोलते हो। तो वो बोलते कि देखो तुम्हारे गुरुदेव ना भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज, उनके हृदय में अगाध प्रेम का रस का समुद्र छुपा हुआ है, मैं तो बस उसको निकालने में सहायक कर रहा हूँ, वरना ऐसे वो नहीं निकालेंगे, ऐसे वो कभी भी नहीं निकालेंगे, मैं तो उनको सहायक कर रहा हूँ, मैं तो उनको उत्साहित दे रहा हूँ। किसी किसी समय में भक्तिवंत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कृष्ण के पक्ष लेते थे, और भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज जी राधा रानी के पक्ष लेते थे। इनके कृष्ण के पक्ष में महाराज जी कुछ बोलते थे, और हमारे गुरुदेव राधा रानी के पक्ष में बोलते थे। यद्यपि ये कृष्ण के पक्ष में जब राधा रानी के पक्ष में बोलते हैं गुरुदेव, तो ये कभी खंडन नहीं किया, और बोलते हमारे कृष्ण तो ऐसे है, तो गुरुदेव बोलते हाँ तुम्हारे कृष्ण ऐसे तो हमारे राधा रानी ऐसे, तो इसी प्रकार का तर्क युक्ति तर्क होता था, पूरा शास्त्र को लेके वो कभी बंद ही नहीं होता था। तो अंतिम में भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के पास जाते हैं, और बामन गोस्वामी महाराज जी से पूछते हैं कि बताओ हम दोनों से कौन जीता, हम दोनों का जो ये डिस्कशन हुआ उसमें कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा तत्व श्रेष्ठ है, राधा जी का तत्व श्रेष्ठ है या कृष्ण का तत्व श्रेष्ठ है। तो भक्ति बामन गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि आमी तो सर्वदा राधा पक्षपति, मैं तो सर्वदा सर्वदा राधा पक्षपति हूँ। तो ये बोलते हैं कि किसी ब्रह्मचारी ने बोला आप तो राधा रानी के इतने दास को पूरा का पूरा जानते हो, फिर आप कृष्ण के पक्ष क्यों लेते हो, कृष्ण के पक्ष को आप क्यों लेते हो। तो महाराज जी बोलते हैं देखो तुम्हारे जो गुरुदेव भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी ना, इनके हृदय में राधा रानी का भाव इतना रूप में है, इतना गंभीर रूप में उनको प्रेम है, वो रस है, अगर मैं कृष्ण का पक्ष नहीं लूंगा, मैं अगर शत्रु मतलब अपोजिट डिरेक्शन से कुछ नहीं बोलूंगा, तो और रस को नहीं निकलेंगे और रस को तत्व को नहीं प्रकाशित करेंगे, इसलिए मैं उनको उठा देता हूँ, क्या बोलते हैं ना वो उठा देता हूँ कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो, इसलिए मैं जानबूझ के कृष्ण के पक्ष ले जाता हूँ, और मैं विशेष करके उनको मुख से वो सब तत्व को आप सबको प्रकाशित करने में सहायक कर रहा हूँ। तो किसी प्रकार का इन्होंने जीवन में हर समय से ब्रह्मचारी को शिक्षा देते हैं, और इनका जितने भी वाणी है हमारे जो परम गुरुदेव, इन्होंने क्या लिखा हमारे परम गुरुदेव के जो अष्टकम है, हम जब सुबह सुबह पाठ करते हैं ना, नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपेण श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव विद्धि नामिने, आचार्य सिंह के समान मेरे गुरु, ये भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने लिखा। और इनके जो जो आर्टिकल थे सब परोक्षवाद, परोक्षवाद समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनके जितने भी आर्टिकल थे दरिद्र नारायण सेवा, अपर पक्ष गुरु सेवा, और कृष्णदास मो कृष्णदास, मतलब उड़िया में आरती कृष्ण तो जानते हैं हम कुछ कुछ, तो हर चीज में परोक्ष बात को स्थापन किया, मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं। देखो एक समय के बाद है, बस थोड़ा सा और बोल देता हूँ कि एक समय के बाद है, चंद्र ग्रहण का समय था, और देवानंद गौड़िया मठ में रात भर कीर्तन किया सब लोग, रात भर हरिनाम किया, और सुबह सुबह भी गंगा जी में हरिनाम ऋतु में अब तुम बोलते हैं कि हरिनाम रात को बोले ना जा रहे, गंगा जी स्नान करने गंगा स्नान करने के लिए, बोले क्यों,
चंद्र ग्रहण था, अशुद्ध हो गए, अपवित्र है, स्नान करने जा रहे हैं। तो महाराज जी वहां पे बोलते हैं कि देखो तुम्हें हरिनाम में पात्र में तुम्हारा चिंता नहीं है, रुचि नहीं है। हरिनाम व्रत, हरिनाम ग्रहण करने के बाद, हरिनाम पूरा कीर्तन करने के बाद उसमें क्या होता है, पूरा हरिनाम जब उसमें तुम बैठ के कीर्तन करते हो तो पूरा का पूरा उससे करोड़ गुना पवित्र हो जाते हो तुम। फिर गंगा स्नान करने का क्या जरूरत है? इसी प्रकार के एक विचार भक्ति वस्त्र पूरे गोस्वामी महाराज बोलते हैं। उनके एक शिष्य था, तो एक जो हमारे जो आचरण पात्री होता है ना, तो उसमें हम जनेऊ लेके किस प्रकार से गंगे से जमुना से गोदावरी से पाठ करते हैं, तो उसके शिष्य क्या कहता है, ये पानी तो बासी हो गया, फिर उसको फेंक देता था, हर दिन वो नया पानी ला के रख देता था। तो महाराज जी बोले ए की कर छो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, महाराज जी पानी बासी हो गया। तो महाराज जी पूरा नृसिंहानंद थे उस दिन, हम श्रवन कर रहे थे पूरा जिला के, बोले बोले मूर्ख भागो तुम इधर से, गंगा की महिमा, जमुना की महिमा, गोदावरी की महिमा तुम नहीं जानते, तुम तो बस इसको मंत्र ही मान लिए हो, बस मंत्र ही मान लिया कि गंगा से जमुना से गुरुदेश ने बोल दिया और हमने फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया। जब तक इसको हम पूरा पूरा भाव से ग्रहण मतलब नहीं बोलेंगे, इस पानी में क्या हुआ, जब मंत्र पढ़ देते हैं तो पूरा गंगा, पूरा जमुना, पूरा सरस्वती, नर्मदा, सिंधु सब तीर्थ प्रकट हो जाते हैं, ये तो तीर्थ जल हो गया, अब इसको फेंकने का क्या जरूरत है? तो किस किस प्रकार का विचार दे, तो इसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि अभी तो हरिनाम कीर्तन में तुम स्नान किए और गंगा स्नान करने का क्या जरूरत है, तब तो कोई समझ नहीं पाए। और हमारे पूजे और माधव के प्रभु और जितने भी सब थे वहां पे सब स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करके जब आए तो वहां पूछते हैं कि महाराज जी आप उस समय बोल रहे थे, हमारे को समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे थे। तो महाराज जी वहां पे विचार देते हैं, क्या विचार देते हैं कि वास्तव में जब हरिनाम करते हैं हम, हरिनाम में जब वहां कीर्तन करते हैं तब ऑटोमेटिक वहां पे हम पवित्र हो गए, तो विशेष रूप में हमको गंगा में स्नान करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, हम महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, सब ग्रहण करते हो कि नहीं, सब प्रसाद लेते हो कि नहीं, सब महाप्रसाद लेते हो, तो महाप्रसाद लेने के बाद क्या करते हो, हाथ को धो लेते हो। इसका मतलब क्या, महाप्रसाद को छूने से, महाप्रसाद को पाने से हाथ क्या अपवित्र हो गया क्या? हाथ अपवित्र नहीं हुआ है, और लेकिन हाथ धोए क्यों, वो तो पवित्र है, हाथ धोए क्यों, क्योंकि हमको दूसरे सेवा के लिए प्रस्तुत होना है, इसलिए हम इस प्रकार हाथ धो लिए। तो इसीलिए अभी चंद्र ग्रहण में जो विचार है, हमको अभी दूसरे सेवा के लिए प्रस्तुत होना है, इसी विचार में हम स्नान करेंगे। हमारा स्नान करने का उद्देश्य क्या है कि हम दूसरे सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा, गुरुदेव की सेवा, वैष्णव की सेवा, उनमें हमको अभी उसी सेवा में हमको अभी दूसरे सेवा के लिए हम अभी प्रस्तुत हो रहे हैं, इसीलिए हम स्नान करें, ये भावना रखना चाहिए। वरना गंगा स्नान का क्या फल है, जो हरिनाम में हरिनाम स्नान कर लिया तो करोड़ों करोड़ों गंगा वहीं प्रकट हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों तीर्थ, गुरुदेव बोलते हैं ना कि 6 अरब तीर्थ वहीं प्रकट हो जाते हैं, तो वहीं स्नान कर लो, स्नान करने की क्या जरूरत है। तो विचार ये होना चाहिए कि हमको दूसरे सेवा के लिए हमको प्रस्तुत होना है। तो इसी प्रकार का आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है, हर समय उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, हमारे गुरुदेव के साथ भी 60 साल तक उनका बड़े संबंध रहा, गुरुदेव भी हर समय उनको शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे और हर समय गुरुदेव को उत्साही प्रदान करते थे। उसी प्रकार आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है और किस प्रकार उन्होंने जैसे शिक्षा देते हैं, जैसे शासन करते हैं, कभी हमको वैष्णव लोग उसी प्रकार का शासन करें और उसी प्रकार शासन को सहन करने में हमारे हृदय प्रस्तुत हो जाए, यही प्रार्थना के साथ उनके चरणों में झुक अंजलि बांधता हूं। बोलेंगे, बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिग्रान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिकायापि आत्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद विष्णुपश्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है और आज जिन महान आचार्य की तिथि है उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है।
भक्ति किस प्रकार से भक्तों के हृदय में पहुंचती है, इसको हम सब अनुभव कर सकते हैं गुरु परंपरा से। आज ऐसे ही महान संत ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्रेष्ठ श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि है, जो हमारे श्री गुरुदेव के और बड़े गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के अंतरंगा सखा कह सकते हैं, और उस गोलोक धाम में जो अंतरंग आपस में सखिया कह सकते हैं, ये ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने अपने आप को मुझसे छिपा कर रखा, लेकिन हृदय में श्रीमती राधा रानी का और श्री कृष्ण चंद्र का सदैव स्मरण करते हुए इन्होंने पूरा जीवन वैष्णव सेवा, गुरु सेवा और आने वाले नए नए साधकों को सुंदर तरीके से सुशिक्षित किया, प्रशिक्षण दिया। हमारे गुरुदेव इनका बहुत आदर करते थे, हमारे गुरुदेव से ज्येष्ठ थे, बड़े थे, तो भी ये हमारे गुरुदेव को शिक्षक रूप की तरह मानते थे। एक बार मथुरा में गुरुदेव के जो भजन कुटीर है वहां पर बैठे सुबह सुबह हरिनाम कर रहे हैं गुरुदेव, और जब मंगल आरती इत्यादि हो जाती है तो सब वैष्णव आपस में प्रणाम करते हैं, और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो गुरुदेव बैठे हुए हरिनाम कर रहे हैं तो उनके कक्ष के बाहर जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जो है महान निष्ठा हमारे गुरुदेव के प्रति, और जो कक्ष है भजन कुटीर है उसमें एक शीशा लगा हुआ छोटा सा, उसमें से कभी कभी गुरुदेव हरिनाम करते करते उठकर देखते कि बाहर क्या हो रहा है, तो उनकी नजर एकदम पड़ी कि भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी मेरे भजन कुटीर के आगे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जो कि मेरे से बड़े हैं। एकदम से बाहर खोला दरवाजा और उनको उठाया, अरे महाराज जी क्या करते हो, आप तो मेरे से श्रेष्ठ हैं, मुझे क्यों पाप का भागीदार बनाते हैं। उनको साष्टांग प्रणाम किया गुरुदेव ने, कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मत सिखाओ, और फिर आलिंगन किया दोनों भाइयों ने। इतना प्रेम, अभी सारी कथाएं तो प्रभु जी ने सुनाई थी। इसमें जो हम देखते हैं कि अपनी पत्नी को, जो पत्नी उनको मनाने के लिए आई और गुरु वर्गों से प्रार्थना करके वैष्णवों से कह करके कि मुझे महाराज को संग लेकर के जाना है, तो भोग लगवा, ये दृष्टांत तो एक साधारण सा है, जैसे जो पुरुष स्त्री झगड़ा करते हैं ऐसा नजर आता है, लेकिन उनका जो वैराग्य है वो शुष्क वैराग्य नहीं है, वो निश्चित तौर से इस पराकाष्ठा को पकड़ चुके थे कि राधा कृष्ण के चरणों के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता था, और वो अपनी स्त्री से बात भी कर रहे थे तो भी उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये कौन है। वो समस्त जीवों में समदर्शी हो चुके थे, समस्त जीवों के हृदय में गुरुदेव की है। तो लगता तो ऐसा है जैसे वो स्त्री कह रही है, माता जी हमारी, तो माता जी कह रही है कि नहीं आप चलिए, और नहीं तो मैं ये केरोसिन यहां रखा है इसको उड़ेल करके मैं चल करके भस्म हो जाऊंगी। और गुरुदेव कह रहे हैं, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि अच्छी बात है, तुम्हें इतना सुंदर जीवन मिला है भजन करने के लिए, और अपनी ई लीला यही समाप्ति चाहती हो तो मैं चार माचिस ला के भी देता हूं। वो भजन की शिक्षा इसमें देते हैं। इसके अलावा अब इन समस्त संतों का परस्पर यदि प्रेम देखना हो तो इनके आविर्भाव और तिरुभाव तिथि पर नजर मारनी चाहिए। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, और यही नहीं,
भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इन सब का आपस में इतना प्रगाढ़ प्रेम कि एक ही तिथि में इस धरा धाम को छोड़ करके गए। 365 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन चुनना यह साधारण व्यक्ति के लिए हो ही नहीं सकता। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये महान संत अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। 365 दिन में से मात्र एक दिन में तीन संतों ने त्रिभाग तिथि को चयन किया और यहां से गोलोक वृंदावन गए। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिन्होंने स्वर्ण बनाया, भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज की भी तिथि एक दिन पड़ती है। जिस दिन गुरुदेव का आविर्भाव है उस दिन, जिस दिन भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव है उस दिन हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने वही तिथि चुन करके इस धरा धाम को छोड़ करके। तो इससे पता चलता है इन सब में कितना प्रेम है। और ये सिद्ध पुरुष है ऐसी तिथि को चयन करके यहां से गए हैं और हम सबको ये शिक्षा प्रदान की कि हमें सदैव भजन में रह करके वैष्णव अपराध से बचते हुए हमेशा भजन में रहना। तो अभी महाराज जी को बहुत कुछ कहना है। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्री दीपक्रम गोस्वामी महाराज श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी अभी आप लोग श्री तिरुक्रम गोस्वामी महाराज की कथा सुन रहे थे। आज कौन सा एकादशी है? आज है षटतिला एकादशी और इसी एकादशी में तिल दान का बड़ा महत्व है और इसी समय लोग सब तिल खाते हैं। तिल में बहुत सारा तेल होता है, इसलिए अभी ठंडा में क्या होता है, शरीर सूख जाता है ना, तिल खाने से शरीर में चमक आ जाती है, इसलिए ये तिल दान का बड़ा महत्व है। इसलिए एकादशी, फिर जब कोई एकादशी तिथि में जब कोई महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, एकादशी कहते ना, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोला। इसलिए एकादशी भगवान का अत्यंत प्रिय तिथि, भगवान का माधव तिथि है और इसी तिथि में जन्म लेना बड़ा सौभाग्य की बात है, हैं? बड़े सौभाग्य की बात इसी तिथि में जन्म ग्रहण करना। इसलिए ये जो महापुरुष ये बहुत अच्छे बड़े धनी परिवार के जन्म हुए हैं, बड़े धनी। ये खुद कहते थे बचपन में अगर कोई कंठी तिलक माला लगाए हुए देखे ना, ये कभी कभी उनको हंसी दिलाई करते थे, बोलिए क्या चोटी को कहते, ये क्या एरियाल है, ये सब तिलक तुमने क्या लगा लिया, क्या बगुला ने ठाठी कर दिया है, और गला में कंठी अगर कोई पहने हुए बोले कौन सा तुमने पाप की गला में ये लकड़ी तुमने पहन लिया। कहते मैं स्वयं, वो खुद कहते थे मैं स्वयं ये साधु संतों के मुकाबले में थके हंसी दिलाई करता था,
लेकिन मेरे को पता नहीं था मैं एक दिन खुद ऐसे बन जाऊंगा ऐसे खुद में बन जाऊंगा, मेरे को पता नहीं था, मैं जिनको हंसी उड़ाता था एक दिन मैं स्वयं ये बन जाऊंगा, मेरे को पता नहीं था। इसलिए एक दिन मैं स्वयं ये साधु, मैंने हरी कथा सुन करके, वैष्णव का हरी कथा सुन करके, मैंने जब हरी कथा सुनी, भगवान ये जीवन भगवान क्यों दिया है, वो कहते मैं एक श्लोक सुन करके ना मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। बोले कौन सा श्लोक है, कहते लब्धा सुदुर्लभ मिदंग बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थादम अनित्य अपि अधीर तृणम जतेत न पतेत अनुमृत यावत निश्रय विषय खड़ो सर्वत्र सा। कहते ये श्लोक को सुनकर मैं साधु बन गया। इस श्लोक में क्या कहते हैं, कहते ये जो मानव शरीर है ये लब्धा सुदुर्लभ, कहते ये दुर्लभ नहीं, कहते ये सुदुर्लभ है, क्योंकि ये 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी एक बार ये मानव शरीर देते हैं, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए लब्धा सुदुर्लभ में तो बहुत संभवान्ते, बड़ी कष्ट से ये मानव शरीर मिला। इसलिए बोले देत ईस बिनु हेतु सनई, अगर कोई सोचे नहीं हमने कोई बढ़िया कर्म किया ना तभी तो मिला, भगवान राम कहते तुम्हारी कोई कर्म से ये मानव शरीर नहीं मिला, कोई कर्म से नहीं मिला, भगवान तो कैसे कृपा करके अचानक तुमको ये मानव शरीर दे दिया है, कैसे ठाकुर की बड़ी कृपा तुमको जो ये मानव शरीर ठाकुर ने दे दिया। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले तृणम जतेत न पतेत अनमृत जावत, जितने जल्दी से जल्दी हो भगवान का भजन करना शुरू कर दो हैं। इसलिए कहते ना कल कर सो आज कर और आज कर सो अब पल में प्रलय होगी बहुत। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी, बोले कारण क्या, बोले कारण ये जो मृत्यु है ये सर के ऊपर में मंडरा रही। आज हम एक घर में गए थे, और उसका उम्र था 32 साल की, पत्नी का उम्र 25-26 साल की है, उसके बोले 3 साल की एक लड़की है। वो जा रहा था गाड़ी में हैदराबाद जा रहा था, जाते जाते उनका एक्सीडेंट में उसने शरीर छोड़ दिया और उसको परिवार इतने दुखी, इतने दुखी परिवार है, 32 साल में पत्नी केवल 25-26 साल उम्र में केवल 3 साल की घर में की लड़की है और कोई नहीं, इतने दुखी है। हम लोग क्या सोचते हैं, कहते अभी क्या, अरे वो मर गया मर गया, तो जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले अहनी अहनी भूतानी गछन से जम में गिरा, हम स्वयं देख रहे हैं हमसे कम उम्र के व्यक्ति चला गया, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ओ चला गया थोड़ा मैं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा, सभी का मन में ये भावना, मैं नहीं मरूंगा, दुनिया मर गया तो क्या होगा, मैं थोड़ी मरूंगा, ये बड़ा आश्चर्य चीज है। इसलिए अगर जितने जल्दी से जल्दी पार किया करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की भजन में लग जाओ। बोले क्यों, बोले विषय और फल सर्वत्र, जो काम हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसको तरह बीवी बच्चों को पालन करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, सोते हैं। बोले ये तो कौन सा जीवन में तुमको नहीं मिलेगा, कुत्ते गधे सुअर हर जीवन में ये सब चीज मिल जाएगी, लेकिन भगवान की भजन नहीं होगा। महाराज कहते थे मैंने जब एक श्लोक, किसी वैष्णव ने एक श्लोक को अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या किया, जब व्याख्या किया उन्होंने, इसको सुन करके मेरे जीवन परिवर्तन हो गया, मेरे जीवन मेरी परिवर्तन हो गया है, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैंने मंदिर में आकर भगवान की हमने भजन की, बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुए। अब लोग तो देखे नहीं हो महापुरुष को, बड़े लंबे चौड़े, उनका एक चेहरा देखो ना क्या सुंदर, हिल डोल क्या लंबे चौड़े उनका शरीर है, उनका एक सुंदर फटो है, उसको देख कर सोचो किसके विवेकना तो ये क्या, इतने सुंदर फटो, उनको पगड़ी बांधे हुए, इतने सुंदर एक फटो, बड़े सुंदर शरीर थे, लेकिन इन्होंने सब छोड़ करके भगवान की भजन करने के लिए मंदिर में आए। और महाप्रभु कहते ना, महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखे तुष्ट हन गौर भगवान, कहते महाप्रभु का जितने भक्त लोग है ना, कहते बड़े वैराग्य पूर्वक बड़े दीनहीन होकर के भजन करते हैं। बोले क्यों, हमारे महाप्रभु कहते ना भालना खाई वे और भालना पड़ी वे ब्रज राधा कृष्ण सेवा माने से गर्वी, कहते बढ़िया मत पहनो और बढ़िया मत खाया करो, क्योंकि बढ़िया पहनोगे कहते बढ़िया पहनने पर क्या होगा, जैसे रास्ता में जा रहे हो कोई बढ़िया कपड़ा साड़ी पहन कपड़ा पहन करके देखोगे कौन मेरे को देख रहा है कि नहीं, आज हमने इतने सुंदर कपड़ा पहना कौन मेरे को देख रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा आता है ना, और बढ़िया खाओगे तो फिर इंद्रिय तेज होगा, इधर उधर भागोगे
हैं, कहते इनका जीवन ना ये इसका पूरा मूर्तिमान, हमने महाराज की सेवा की, कपड़ा भी धोए महाराज की, महाराज की मैंने बहुत सेवा की महाराज की, इसलिए जब आते थे हम इनकी सर्वप्रथम जब हमने कथा सुनी इतने मेरे को अच्छी लगी, इतने बढ़िया लगा, मतलब जो व्यक्ति संसार छोड़ करके भजन करने के लिए आए ना, क्या वो इतने सुंदर संसार का, उनकी कथा सुनने से कहते ना उनको महेश का उदाहरण दिया, ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया, बामन गोस्वामी महाराज क्योंकि दीक्षा मंत्र देते थे, हमारे नारायण गोस्वामी महाराज नारायण का नाम ही नारायण है, सबको पालन करते थे, लेकिन ये शंकर काम करते, शंकर का काम संघार, शंकर का काम संघार, इनकी हरि कथा ऐसे हरि कथा ना जो सुनेगा संसार को तुच्छ मतलब त्याग कर दे, बोले ये संसार ये तुच्छ संसार, केवल ये ऊपर में केवल प्यार ऊपर में दिखती है लेकिन अंदर में देखोगे प्यार नाम का कोई चीज नहीं, केवल स्वार्थ से ऊपर से प्यार दिखता है, चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है, वो उदाहरण देते थे, देखो आप लोग देखे हो गन्ने से जूस, गन्ने से जूस निकालते देखे, वो उदाहरण देते थे जैसे गन्ने को मशीन में दे देते हैं, एक बार जूस निकलेगा बोले और थोड़ा है, उसको डबल करके फिर दो बार देंगे, बोले और थोड़ा जूस है, फिर चार बार करके फिर देंगे, बोले और थोड़ी इसमें जूस है, फिर आठ बार करके फिर मशीन में देंगे, और जब वो निकल जाए ना फेंक देंगे, उदाहरण देते थे ये संसार ठीक ऐसे ऊपर में दिख रहा है बड़े प्यारा है, वो प्यारा इसलिए दिख रहा है ना, अभी तुम्हारा आदमी को जो जूस है अभी कुछ निकलने का जूस है, और उदाहरण देते थे अभी कुछ जूस तुम्हारे अंदर में है इसलिए प्यार दिख रहे हैं, और दूसरा उदाहरण देते थे जब तक ये बैल काम करता है ना देना किसान उसको खूब खाना पिला के लाते हैं, लेकिन जो काम नहीं करता ना उसको सामने कुछ फेंक देता, खाया नहीं खाया देखता नहीं, वो पूरा भोगवाद को विशेषकर तीन चार श्लोकों का विशेष था, तीन चार श्लोक वो कहते जब गृह में दे सुखम ही तुच्छ कंडर व करो रे वो दुखान, ये जो संसार का सुख कैसे है, और उदाहरण देते थे जैसे खुजली होता है ना, और खुजलाने के लिए तो बहुत बढ़िया लगता है खुजलाने के लिए, लेकिन जब खून निकलता है ना फिर जला, कहते उसी तरह ही जो संसार है जो मैथुन सुख ठीक ऐसे थोड़ी दिन के लिए ये सुख है, उसको बाद में मरने का पहला तो इसका समस्या जंजाल नहीं जाता है। आज हम जिस घर में गए थे हम देख रहे थे, आज जिसको घर में हम गए थे उनको पिता माता कितने दुखी हैं, वृद्ध उम्र हो गया तभी भी दिमाग में टेंशन, ये बच्चा चले गया अभी ये बहू को कौन देखेगा, अभी बेटी को कौन देखेगा, अभी उम्र हो गया उनकी, अभी मरने का पहला तक भी ये संसार जो मैथुन सुख है, संसार सुख थोड़ी सुख के लिए जिंदगी भर के लिए माया की चक्की में पिछना पड़ता है, यही लोग कहते थे, और एक श्लोक कहते थे आहार निद्रा भय मैथुन च सामान मृतक पशु नाम, आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर लोग भी कर लेते हैं, अगर ये मानव शरीर पाकर के अगर हम उसी में ही लग गए फिर जीवन का मिलना क्या महत्व रह गया, ऐसे उनकी तीन चार जो श्लोक है ना जो संसार को तो तुच्छ कर देता है, भागवत में बताए उच्च तीन जब जब कथा बोलते थे केवल यही, एक दिन महाराज से पूछा मैंने बोले महाराज जी आप जब देखो एक ही बात बोलते हो दो बात बोलते हैं ये संसार नित्य छोड़ दो, तो जानते हो महाराज क्या कहते, बोले जीव का अगर दिमाग में इतना बैठ गया ना समझे जीवन धन्य हो गया, अगर इसका जीवन इस संसार अनित्य भगवान ये दुर्लभ जीवन दिया और ये बारंबार ठाकुर ये मानव शरीर नहीं देंगे, ये जीवन पाकर क्या करो भगवान की भक्ति करो, अगर इतनी सी बात अगर जीव के दिमाग में बैठ गया है कभी इनका जीवन धन्य हो जाएगा, उधर बोलते थे इनका जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए ये जो महापुरुष थे हैं ये जो महापुरुष थे ऐसे कोई काम नहीं नो नहीं जाते, क्या सुंदर रसोई बनाते थे, इनका हाथ का एक बार रसोई खाओ ना भूल जाओगे दुनिया को भूल जाओगे, ऐसे सुंदर ये रसोई बनाते थे, बढ़िया सुंदर रसोई बनाते थे, और बंगाल में जो सब्जी मिलता है ना थोड़ी अच्छी टेस्ट था, जब इधर आते थे हम कभी कभी सब्जी बना कर देते थे बोले बंगाल में ही सब्जी नहीं, वो चटपटी खाने में बड़े चटपटी उनको चाहिए, ऐसे तैसे भी नहीं खाएंगे और सवेरे उठते ही ना उनको भूख लग जाती है, मंगलारती के बाद में हाँ मंगलारती दर्शन करके फिर आकर के उनको भूख लग जाती है, शरीर एकदम मोटे छोटे लंबे चौड़े महापुरुष एकदम बड़े सुंदर थे देखने में, बड़े सुंदर देखने में गौरव भरने के बड़े सुंदर चेहरा था, और सवेरे उठते ही उधर मुड़मुड़ा होता है ना मुड़मुड़ा में चाना चूर दे करके उसमें मुखली दे करके सवेरे होते ही उसको महाराज जी उसको भूख लग जाती थी, और स्वयं
अपना घर घर में भिक्षा लेने जाते थे महाराज, स्वयं साइकिल चलाते स्वयं, और सिलाई करना मेसनी सिलाई करना बता रहे थे ना, ऐसे कोई काम नहीं वो जो नहीं जानते, हर काम में परफेक्ट थे, हर काम में, और मशीनरी चीज में हैं, इलेक्ट्रिक कोई भी कोई मत में कभी किसी मिस्त्री को नहीं बुलाए, कभी ये काम के लिए सारे काम अपना हाथों से खुद करते सारे काम को, रोटी बनना घर का सारे काम को अपना हाथों से ये सारे काम को करते थे महापुरुष। और आप लोग अभी जो श्रवण कर रहे थे, ये एक समुद्र गढ़ है, हमारे अमरावती प्रतिमा गए हो, कौन कौन गए समुद्र अमरावती प्रतिमा, हम जाते ना एक समुद्र गढ़ में जाते हैं, जहाँ पर स्वयं गंगा सागर कहते हैं, नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से पृथ्वी का सारे तीर्थ परिक्रमा तुम्हारी हो जाए। ये शंकर जी स्वयं पार्वती को कहते, बोले पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, शंकर जी कह रहे हैं, कहते किसको विश्वास हो नहीं हो, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, अगर कोई करोड़ों करोड़ बार कर लिए, एक बार नहीं करोड़ों करोड़ बार कोई सारा पृथ्वी का परिक्रमा, लेकिन एक बार जो नवद्वीप धाम का परिक्रमा कर लेगा उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा जो नवद्वीप धाम परिक्रमा करेगा। ये शंकर जी ये बात तो स्वयं कहते पार्वती को, नवद्वीप धाम परिक्रमा की इतने महिमा, इसलिए वहां पर एक समुद्र गढ़ है, समुद्र गढ़ मतलब जहाँ पर स्वयं समुद्र आकर गंगा से जहाँ पर मिले, इसलिए कहते ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कहते अगर नवद्वीप धाम वो स्थान में चला गया तो आपको गंगा सागर जाने का सरफल मिल जाएगा, वो स्थान है। और वहीं पर गुरु जी को साथ में हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम महाराज, इन्हीं के अंदर में बड़ी सख्यता थी, ये बड़ी हंसी दिल लगी, हम लोग को देखा बड़ी हंसी दिल लगी दोनों हैं, ये राधा जी के पक्ष में तो कृष्ण के पक्ष में, ये महाप्रभु का पक्ष में तो कृष्ण के पक्ष में, और सुन रहे थे ना वो जान बुझ करके हमारे गुरुदेव को छेड़ देते थे, जान बुझ के छेड़ देते थे, क्यों छेड़ देते थे, कारण है पहले को छेड़ देंगे ना फिर हृदय से सार निकलेगा, सार रस निकलेगा, मगर छेड़े हुए जैसे मधु, जैसे होता है ना जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जूस का निकला, अगर उसको डंडा से मार दो फिर मधु निकलेगा, वो बोलते थे मैं ये काम करता था, ये महाराज को छेड़ देते थे, बोले राधा रानी के जगत में कोई नाम नहीं, जगत में कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तो कृष्ण भगवान सब कुछ भगवान है, इनसे बढ़कर कोई दुनिया में कोई है नहीं, हमारे कृष्ण सर्व कारण का कारण है, और जितना श्लोक बोलने लग जाते थे, फिर गुरुदेव बोलते थे हमारे भक्तों को इशारा करके भजन गाओ तो बोले सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो, जब हम परिक्रमा में जाते थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, एक बस में पहले इतना बस नहीं, एक बस होता था त्रिविक्रम महाराज नारायण गोस्वामी महाराज हमारे साथ में बस में चलते थे, और उसमें दो पार्ट, एक तरफ नारायण महाराज एक तरफ हमारे त्रिविक्रम महाराज, और इधर त्रिविक्रम महाराज कृष्ण का पक्ष, उधर राधा रानी का पक्ष, ये दोनों में इतने हंसी दिल लगी, वो दोनों में आनंद होता था, एक कृष्ण का पक्ष और एक श्री राधा रानी का पक्ष, वहां पर भी हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वो ले लेते थे भीमसेन का, उनका चेहरा था ना लंबे चौड़े इतने, बोले भीमसेन का पक्ष ले लेते, अरे हमारे नारायण गोस्वामी महाराज समुद्र से मतलब महाप्रभु का पक्ष लेते थे, अरे दोनों में आप लोग देखे नहीं, हम लोगों ने देखे दोनों विद्वान, और जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जो वैदांतिक वेदांत 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 समझते हो, उसमें सूत्र छोटा छोटा जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जनित्वात जन्मादस्य जत है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति छोटे छोटे शब्द है, लेकिन उसको अंदर में अथाह समुद्र उसके अंदर में है, लेकिन शब्द छोटी छोटी उसको बड़े वैदांतिक थे, एक एक शब्द को लेकर के जो व्याख्या करते थे ना अद्भुत, उनका कभी अगर लेक्चर सुनने का कभी सौभाग्य अगर कहीं होगा अब सुनोगे कितने तत्वदर्शी उनके सिद्धांत है। वहां पर जब त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोलते थे वो पक्ष लेते थे भीमसेन का, लगता था सचमुच से भीमसेन इनसे बड़ा कोई नहीं, ये भगवान की परम भक्त, लेकिन जब फिर हमारे नारायण गोस्वामी महाराज खड़े होते थे ना उनको सारे आर्गुमेंट ना सब खंडन काट देते, सारे काट देते थे उनको विचार को, फिर जब नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे लगता था नहीं महाराज जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, जब इनका खत्म हो जाएगा ना फिर त्रिविक्रम महाराज खड़े हो जाएंगे, फिर दो बार खड़े होकर हमारी महाराज का जितने तत्व से तत्व एक करके काट देंगे सब काट देंगे,
लोग बोले नहीं ये सही बात बता रही है विक्रम महाराज, ये तो सही है। फिर जब होगा फिर नारायण गोस्वामी महाराज खड़े होंगे और उनको सारी बात को फिर काट देंगे, फिर काट करके फिर लास्ट में हमारे जो भक्ति वेद नारायण गोस्वामी महाराज लास्ट में फिर ये बृहद भागवत अमृत कथा सुनाते। भक्त एक सब जानते सब भक्त है, लेकिन सब भक्त होने पर भी उसमें कैटेगरी है, उसमें स्टेज बाय स्टेज भक्त, उसमें पांच तरह का भक्त, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर प्रेमातुर, हाँ एक से एक दूसरे भक्त किस लिए श्रेष्ठ। फिर गुरुदेव बताया करते थे उसका सामंजस्य। फिर लास्ट में ना फिर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज खड़े होते थे। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या होता था, कोई किसी को हरा नहीं सकते थे, कोई किसी को जीत नहीं सकते थे, बीच में ना निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर दोनों खड़े होकर फिर परिभाषा हो जाता, मतलब ऐसे वो विद्वान थे, इतने विद्वान थे, एक से एक बढ़कर के ये विद्वान थे। इसलिए इनकी बहुत बहुत सारी कथा है हमारी हमारे इसमें जो पत्रिका, अब पहले जो बंगला पत्रिका देखो यही पत्रिका यही निकालते थे, हर पत्रिका में एक एक आर्टिकल रहता था, उसको कभी जरूरत पढ़ो। इसे भोगवाद को खंडन, इसको भोगवाद जो संसार में जो भोगवाद को खंडन करके जीव कैसे धीरे 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 भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकता है, संसार की अनित्यता को समझते हुए कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इनका जो एक एक जो लेख है ना अद्भुत इनकी लेख है, यही पत्रिका प्रकाशन करते थे। और जो हमारे मठ में जो पंचांग है ना यही निकालते थे, बड़े ज्योतिष थे महाराज जी, बड़े ज्योतिष थे। इन्होंने बड़े सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप में हमारे प्रभुपाद का जो विचार भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज के लिए, इनसे इन्होंने त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और इन्होंने ही ये पंचांगों को यही निकाला करते थे, निकाल करके पंचांग बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म विचार से निकाल के प्रकाश करते थे। और इन्होंने हमारे सोसाइटी में जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ये छत खड़ी हुआ, जैसे दो पिलर लगा हुआ ना, दो पिलर दो तीन पिलर कहते हैं, ये गौड़ी वेदांत समिति ये तीन पिलर में खड़ा था और इसको खड़े किसने किया, बोले मेरे गुरुदेव। कहते हर आचार्य जाने के बाद कभी कभी क्या होता है आपस में थोड़ी सी द्वंद्व होता है, अभी आचार्य कौन बनेगा। फिर ये तीनों ने क्या किया, हमारे पहले जो गुरुदेव थे भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, फिर ये तीनों ने क्योंकि भक्ति प्रज्ञा इनको साथ में हमारे गुरु जी को बड़ा अच्छा संबंध था, हाँ अच्छे क्योंकि उन्होंने उनको जो पढ़ने के लिए गए थे उनको ही ले आए थे, इसलिए इनका अच्छे संबंध था। लास्ट में मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का सारा रात रह करके उनको समाधि उन्होंने मेरे गुरुदेव ने दिया और दोनों आपस में विमर्श परामर्श विमर्श करते थे, इसलिए तीनों फिर हमारे मेरे गुरु जी के पास में आए, बोले अभी ये समिति हम कैसे चलाएंगे। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा देखो मैं जो बोलूंगा तुम लोग सुनोगे, जो मैं बोलूंगा तुम सुनोगे तो फिर बोला, बोले आप तो हमारी शिक्षा गुरुदेव हैं, हमारे गुरु जी के साथ में अच्छे संबंध था, हर काम में आप मदद करते थे, आपका बात हम सुनेंगे। तो उन्होंने बोले देखो कि जो भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज ये प्रभुपाद का आश्रित है, ये बचपन में 10-11-12 साल में ये मंदिर में आए और मंदिर में आकर इन्होंने पढ़ाई किया, संस्कृत पढ़ाई किया और ये प्रभुपाद का आश्रित है, इसलिए इनको अब आचार्य बनाओ। इसलिए बावन गोस्वामी महाराज मेरे गुरु जी को बहुत ऋणी मानते थे कि मेरे गुरुदेव ने उनका आचार्य पद में बैठा था, इनको आचार्य मान ये कर दो और सेक्रेटरी मानो किसको, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को और भाई वाइस प्रेसिडेंट उसमें था ना, उसमें फिर नारायण को, ऐसे तीनों को उन्होंने हैं, इसलिए उन्होंने तीनों को तीन पोस्ट दे करके उनको अच्छे तरह से दलील बना करके अच्छे तरह से गुरुदेव ने तीनों को जोड़ दिया। बोले अगर कोई तुम्हारी मैं रहते रहते कोई अगर समस्या हो मेरे पास में आना और तुम लोग इधर उधर मत जाया करो, मेरे पास में आना अगर कोई भी समस्या हो हम कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए। इसलिए जब जब कोई समस्या आते थे ये तीनों मेरे गुरु जी के पास में आते थे और गुरु जी सारे समाधान करके इनको, तो स्वयं नारायण गोस्वामी महाराज खुद कहते थे बोले इन्होंने भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज हम तीनों को बांध दिया था, इसलिए हम तीनों ने इतने दिन तक हम मिल करके अगर आपस में कोई बात हो जाती थी तीनों बैठ जाते थे, बैठ करके फिर आपस में चर्चा करके फिर बात को सुलटा देते थे और कहते इतना दिन तक चला। लेकिन तीन पिलर था, जैसे अगर ये बिल्डिंग अगर तीन पिलर में खड़े हो अगर एक पिलर टूट जाए तो फिर क्या होगा, फिर हिल जाएगा। पहला जो पिलर टूटा त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सबसे पहले शरीर छोड़े, जब शरीर छोड़ दिया ना कि गौड़ीय वेदांत समिति हलचल मच गया, इसमें थोड़ी सी
थोड़ी सी इसमें हलचल बच गया क्योंकि एक पिलर उसमें चला गया है, हलचल बच गया, इसलिए फिर जब दो पिलर चला और ज्यादा हलचल बच गया, इसलिए हमारे गुरुदेव ने, लेकिन मेरे तो गुरुदेव सबको बांध करके एक साथ में रखे थे और इनको भी बता रहे थे ना, इनको भी आचार्य पद में देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार नहीं किया, नहीं मैं तो इनकी सेवा करूंगा, आचार्य दबाव गोस्वामी महाराज बने, मैं इनकी आनुगत्य में सेवा करूंगा। सचमुच से इन्होंने सारा जीवन उन्होंने रह करके गौड़ीय वेदांत समिति को उन्होंने सेवा किया, काय मन वाक्य से इन्होंने हर तरह से उन्होंने सेवा की, इसलिए आज का दिन इनका जन्मतिथि, इनको तो बहुत सारी कथा है, आज जन्मतिथि बहुत समय हो गया और एकादशी का दिन ये महापुरुष ने जन्म ग्रहण किया है कि हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, सबको ऊपर कृपा करें, इनके अंदर में जो दीनता थी, इनके अंदर में जो वैराग्य थी, इनके अंदर में जो भजन का निष्ठा थी, ये हम सबको ऊपर में कृपा करें, जैसे जीवन में जितने बाधा विपत्ति आने पर भी जैसे हम सब कुछ को सहन करते हुए, जब इनके अंदर विशेष गुण क्या, ये सर्वगुण होते हुए भी हमें ये चीज सिखा लेनी चाहिए, क्या होता है अगर हमारे अंदर थोड़ी सी गुण आ जाए ना, झट हमारे अहंकार आ जाते हैं, अरे कि छिन्नो आर क्यू है नो, वो कहते थे कि छिन्नो आर क्यू हो नो, मतलब किया मैं किया था और क्या बन गया, कभी कभी हमारे अंदर में अभिमान आ जाते, थोड़ी सी प्रतिष्ठा आ जाए, हमारे थोड़ी सी गुण कहते ना प्रभुता पाई का बदनाई, थोड़ी सी गुण आ जाए, इसे कौन सा व्यक्ति जिसको अंदर में अहंकार अभिमान नहीं आ जाते, हमारे अंदर थोड़ी सी कोई गुण आ जाए, लेकिन ये सर्वगुण रहते हुए भी अपने आप को दीनहीन मान करके भजन करते थे, और नारायण गोस्वामी महाराज उनका जूनियर है, ये सीनियर है, लेकिन उनको शिक्षा गुरु मानते थे, और दोनों को अंदर में हम लोग देखे नहीं, हमने देखा इतने प्रीति नारायण स्वभाव, तीनों इतने प्रीति जो सोच नहीं सकती, उनका बड़ी सख्य भाव, वो इनको छेड़ देते थे, वो उनको छेड़ते थे, जैसे होता ना दोस्त में होता है ना कभी कभी ऐसे, वो दोनों में अंदर बड़े आनंद, इनका प्रेम कलह को जो देखा हो जानते हैं इनके अंदर में कितने प्रेम प्रीति है, इसलिए अगर हमारे अंदर में जितने गुण आने पर भी कभी अभिमान नहीं करना, ठीक है ना, कभी अभिमान सुरापात, जो शराब पी लेता है ना, हे मैं बादशाह हूँ ऐसे होता है ना, इसलिए कभी भी जितना गुण आने पर कभी अभिमान नहीं आना चाहिए, हर समय त्रिनाद भी सुनने चेना तर भी सही सुनना, ये श्लोक याद करते हुए इनके आदर्श को हमें लेते हुए सारे सर्वगुण संपन्न, लेकिन अपना दीन ही मान करके वैष्णव की सेवा गुरुदेव की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया, ये सबको पर आशीर्वाद करे, इनका थोड़ी गुण अगर हमारे अंदर में आ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, ठीक है, बादशाह हरे कृष्णा, हमारी जनार्दन प्रभु की एक इच्छा है, कहते जैसे हमारे गुरुदेव ने जो ग्रंथों प्रकाश करके गए हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज, बहुत कष्ट करके आप लोगों ने देखे नहीं, हमने देखा लास्ट में स्पंडलाइज हो गया, गुरुदेव लास्ट में जो ग्रंथ लिख रहे थे ऐसे गर्दन को नीचे नहीं कर सकते, लगा करके पूरा ऐसे करते हुए प्रूफ रीडिंग करते थे, रात रात गुरुदेव ने कष्ट करते हुए उन्होंने ये ग्रंथों को प्रकाशित किया है, बहुत कष्ट से, बोले क्यों, बोले इसका एक ना बृहद भाग, बृहद मृदंग, बृहद मृदंग मतलब क्या, जैसे ये मृदंग हम बजाते ना ढोलकी, इसका आवाज थोड़ी दूर तक जाता है, लेकिन बृहद मृदंग मतलब ये ग्रंथ अगर किसी कोने में कहीं भी अगर पहुंच जाएगा ना, अगर वो ग्रंथ को कोई पढ़ लेगा तो उसका उद्धार, उसको कल्याण हो जाता है, कहीं भी पढ़ ले, लेकिन क्या हुआ, गुरुदेव ने ग्रंथों को प्रकाशित कर दिया है, लेकिन वो ग्रंथों में भी कोई प्रचार नहीं हो रहा है, वो वैसे को वैसे पढ़ा हुआ ला कर किया रख दिए, वैसे को वैसे पढ़ा हुआ, अभी कही ये जो स्वामी महाराज जो ग्रंथ प्रकाश किया अभी सारा दुनिया में प्रचार हो रहे, और स्वामी महाराज अब इसको मैट में देखे होंगे, अब कहीं अगर रास्ता में जाते होंगे ना देखोगे एक एक उनको जो ब्रह्मचारी बाल लड़कियां भी देखोगे रास्ता में खड़े होकर के ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, लड़कियां भी हमने देखा खड़े होकर रास्ता में ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, क्योंकि स्वामी महाराज ने अपना सर पर, उस समय इतना अच्छा सुविधा नहीं था, सर पर उन्होंने पेपर को ले लेकर के और उन्होंने ग्रंथ को छपवा करके उन्होंने कोशिश किया प्रचार करने के, बहुत कष्ट स्वीकार किया, हमारे गुरुदेव भी ऐसे कष्ट स्वीकार किया, लेकिन वो ग्रंथों को प्रचार नहीं हो रहा है, जहाँ का पढ़ा हुआ और कोई प्रचार नहीं, इसलिए इनकी इच्छा है, उन्होंने इस कोण में सो चीज को देखा कैसे रास्ता में खड़े होकर कैसे प्रचार कर रहे, कैसे 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 क्या, इनकी इच्छा है हमारे जो गृहस्थ भक्त लोग हैं
अगर थोड़ी थोड़ी इसी में थोड़ी सी अगर ये लोग भी कुछ ग्रंथों को लेकर के तुम्हारी पड़ोसी तुम्हारी परिचय लोगों को अगर कोई ग्रंथ अगर देंगे जो पढ़ेगा उनका भी कल्याण होगा। इसको ना मैं वो क्या करते हैं गृहस्थ भक्त लोग ज्यादा करते हैं, ब्रह्मचारियों से ज्यादा गृहस्थ भक्त करते हैं। हैं अकेला हो तो कितना करेगा, अगर बहुत सारे भक्त लोग हैं तो कितना ग्रंथ जाएगा कितना बिकेगा हैं। इसलिए वो सबके सब गृहस्थ भक्त लोग बड़ी सेवा करते हैं, फिर वो एक्टिव रहते हैं, उनका धर्म ये रहता है नहीं आज हमने एक ग्रंथ को हमने किसको दिया, एक ग्रंथ दिया मतलब किया या तो वो क्या कहते थे तो उनको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया, मतलब भगवान धाम में जाने का तुमने रहा। जैसे हरिदास ठाकुर का ग्रंथ है, अगर वो ग्रंथ को कोई पढ़ लेगा ना क्या सीखा लेगा, कैसे 3-3 लाख हरिनाम करते थे, कैसे 22 बाजार में पिटाई हुई तभी प्रभु का भजन नहीं छोड़े, प्रभु का भक्ति नहीं छोड़े, लख्य हीरा वेश्या कैसे आई, उसको भी कुछ जो ग्रंथ को पढ़ेगा क्या होगा, इसके हृदय में भी भावना इसके हृदय में भी आएगी। इसलिए इनकी इच्छा है जैसे हमारे गृहस्थ भक्त लोग और ब्रह्मचारी सबके सब क्या करे ये ग्रंथों को डिस्ट्रीब्यूशन करें, गुरुदेव इतना जो कष्ट करके ग्रंथों को प्रकाशित किया फिर सब लोग एक्टिव रहेंगे, नहीं हमने भगवान की ग्रंथ एक व्यक्ति को ठाकुर का ग्रंथ दिया फिर गुरुदेव जो इतना कष्ट करके किया उनको सार्थकता होगा, नहीं तो सड़ सड़ करके ना एक दिन खत्म हो जाएगा, दिमाग खा जाके फिर इसका कोई काम ही नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने इसमें देखा ये सब चीज को उन्होंने देख करके इनके अंदर में उत्साह आई, लेकिन हम भी अपना भक्त लोगों को इसमें लगाएंगे तो भक्त लोगों का भी कल्याण और गुरु जी का कथा भी प्रचार होगा, मंदिर का नाम भी होगा। इसलिए इनकी इच्छा है जब लोग सबसे पहले मैं अपने गुरु बात आज महापुरुष की तिथि को अवलंबन करके हम यहाँ पे समुचित हुए हैं। इस समय विष्णु अवसर पर असंख्य गुरु बंधनों का नाम रखा। अभी गुरुदेव हमें बता रहे थे जब गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभ थे और इन 3 स्तंभ ने ही अलग अलग क्षेत्र के विभाग के कार्य को किया। जब बामन गोस्वामी महाराज जी के पास गुरुदेव ने क्या कहते थे विदेश से देश से प्रचार करके लोगों को लेकर के आते थे और वे उनको दीक्षा देते थे, महाराज जी उनको शिक्षा देते थे और उनकी जो भी कोई समस्या है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या को दूरीकरण करने के लिए वो वहाँ पे जाते थे। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज अभी हमने सुना जैसे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी अप्रकट हुए उसके बाद क्या हुआ गौड़ीय वेदांत समिति का जो जो वो है क्या वो स्तंभ है वो ऐसा ही था कि इन दोनों के ऊपर फर्क पड़ा। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष अगर इनके जीवन में भी हम देखते हैं कि केवल गुरु भाई की प्रीति से थोड़े से वंचित होने पर भी उनकी स्थिति डगमगा जाती है, हमारे अंदर तो कोई परमात्मिक बल नहीं है, अभी गुरुदेव है हमारे अंदर उत्साह है, पर हमने देखा जैसे जिस दिन गुरुदेव गए अगले दिन बस 10 ही लोग भी मुश्किल से 5 लोग भी नहीं थे। यही है कि इसीलिए हम लोगों को हर समय उत्साह में रहना पड़ेगा। कुछ अभी गुरुदेव कहते हैं कि ग्रंथ के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देखो भाई बहुत पहले ही सारे ग्रंथ को लेकर के आया था, जब एक बार भी लेकर के आया था कल मैंने इन ग्रंथों को जैसे मैंने फिर दोबारा देखा इसमें जो उपदेशामृत लाया था मैं उसमें उसका भी मेरे पास 4 था लिस्ट था। मैं वृंदावन से लगभग 7 साल हो गया मैं 40 उपदेशामृत लाया था, कल मैंने गिनती किया 41 हो गए। एक और कैसे पड़ेगा तो शायद ग्रंथ की इच्छा है कि नहीं यहीं पे अपना तंत्र विस्तार कर दो क्योंकि मेरे को तो कोई विस्तार करने वाला नहीं है। हमारे शास्त्र में ग्रंथों को विभव अवतार कहा गया है, भगवान के विभव अवतार। अब देखे होंगे जैसे आरती करता है ना पुजारी पुजारी आरती करके सीधा यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये भी भगवान के स्वरूप है और ये भी भागवत है तो भागवत की आरती की जाती है। यहाँ पे भक्त लोग विराजमान होते हैं तो भक्त लोग अब देखे हो ना उल्टा घुमा करके आरती करते हैं क्यों, कारण ये है कि इन्हीं चीजों से ही हम, इसीलिए हमें क्या करना है इन महापुरुषों की जितने भी मतलब परिश्रम है हमने तो देखा नहीं, आज तो बड़े आसानी से हमें सब कुछ मिल जाती है, एकदम से पीर भक्ति में गए एकदम से पीर भक्ति में कोई चीज आया एकदम डाउनलोड कर लिया आ गया। उस समय
जब हमारे परम गुरुदेव वेदांत सूत्र रचना के गुरुदेव कह रहे थे, उससे पहले भक्ति गुरुदेव सनातन गोस्वामी महाराज जी ने उसके ऊपर काम करने की भरपूर कोशिश किया था प्रभुपाद रहते समय। उसके बाद जब हमारे परम गुरुदेव ने किया उस समय उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे, तब जब उन्होंने किया तब भक्ति बुद्धि श्रोती गोस्वामी महाराज की जो अधूरी चेष्टा थी जब परम गुरुदेव ने उसको ऊपर में लिखना चालू किया ना, तो सारे जो प्रमाण और जितने भी सारे ग्रंथ की तथ्यों को ला करके हमारे परम गुरुदेव को दिया और परम गुरुदेव बड़े आसानी से कर पाए। क्या पता है आप लोगों के हम लोगों को कि कितने मेहनत से करके वे लाए होंगे? आज तो सारा सब कुछ हमारे इंटरनेट पे है, एकदम से कोई श्लोक याद नहीं आया एकदम मार देते हैं टाइप कर देते तो आ जाता है, क्योंकि उस समय इतना सारा सब कुछ सुविधा नहीं था, लिखने में भी छापने में भी क्या क्या कष्ट उन्होंने नहीं किया होगा। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का देख लो कैसे वो खुद ही मुद्रण करते थे, खुद ही फैक्ट लाते थे, खुद ही उसको अरेंज करते थे, सारा काम करने के बाद खुद ही बेचने के लिए दिल्ली की चांदनी चौक में बजारों में जाकर चाय दुकानों में जाकर के बैक टू गॉडलैंड का मैगजीन देते थे कि आप मेरे से वैकुंठ वार्ता ले लो, वार्ता ले लो, और लोग हंसी उड़ाते थे। क्या हम उस समय ये सोच सकते हैं कि आज अगर हम ऐसे देंगे क्या हम सोच सकते हैं हम भी एक ऐसा स्पॉट खड़ा कर सकते हैं, क्या हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि हम भी गुरु जी का ऐसा सेवा कर सकते हैं? हमारा मनोबल टूट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बावजूद हमारे पास सारे साधन होते हुए भी उस समय उनके पास कोई साधन नहीं था। आप देखे होंगे कैसे महाराज जी अंतिम समय में भी जब तक उन्होंने भागवतम का काम लिखने में शुरू किया था जब तक कर पाए तब तक करे, जब नहीं कर पाए तब उनको पता था कि अगर मैं चला गया मेरे को 18 स्कंद को 12 स्कंद पूरा करना है, 18,000 श्लोक पूरा करना है। पता है उन्होंने उस समय जिस समय अंतिम लीला कर रहे हैं अंतिम लीला में भी वो डिक्टाफोन लेकर के रिकॉर्डिंग कर रहे, क्यों? कारण उनको ये पता है कि मैं जो चीज को दे रहा हूं वो चीज कभी भी कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज देखो हमारी स्थिति ऐसी है, कहते ना कि हम लोग कितना सुना है गुरुदेव आकर के सालों सालों से हमें सुना रहे हैं, कुछ हमने से इतने लोग हैं कि सर्व गोस्वामी नाम ठीक से नहीं जानते क्या। अभी गुरुजी देखो ये जो नोट उन्होंने कितने मेहनत से बनाए होंगे, जो डायरी आपके सामने है कि कितनी पुरानी होगी, उन्होंने जो उस समय मेहनत किया था कितने लोगों को हम लोगों को मिल रहा है, कितने लोग इस इंटरनेट पे वेट करके इसको पढ़ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं, क्या हमें पता है इसके पीछे क्या मेहनत हुई होगी? हमें पता नहीं है, हमें आसानी से मिल जाता है, इसीलिए जो चीज आसानी से मिल जाता है हम उसके कदर नहीं करते। अब इस समय हमारा एक ही कर्तव्य है, क्या है? कहते ना बनू गिव कृष्णा देन यू गिव कृष्णा, अगर आप भगवान को दोगे देना सीखो, जब दोगे तो अपने आप भगवान आपके पास, ग्रंथ क्या है, ग्रंथ भगवान, और अगर आप भगवान को दोगे तो उत्तर उत्तर हमारी भक्ति की प्रगति होगी। इसीलिए हम कल एक छोटा सा सेमिनार हमारे वो गुरु जी के आदेश से कल हमारे वो प्रभु जी अनिरुद्ध प्रभु एक छोटा सा हम लोग सेमिनार करेंगे, उसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा, कुछ ऐसा मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा उसमें कि कैसे हम भी अपने स्थान पर रह करके, हमारे बड़ौत कोई किसी चीज में कमी नहीं है बड़ौत में, और आप लोग इतने श्रद्धावान है, हमारे वंशीवदर प्रभु कहते हैं जितने बड़ौत के अंदर लोगों के अंदर हरिकथा सुनने के लिए रुचि महाराज जी ने पैदा कर दिया ना, हम लोग किसी नहीं कर पाया। हाँ भले ही हम एक एक भागवत में हजारों हजारों लोग हो जाते हैं, पर हमारे मंदिर में जब कथा होती है कितने लोग आते हैं? कोई नहीं आता। अब जाओ पुरी में देखो कितना बड़ा मठ है, धाम है, रूप सनातन में देखो केवल ब्रह्मचारी बैठते हैं, केवल ये स्थान है बड़ौत है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं बड़ौत मेरे सराखों पे है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, भक्ति करने की भावना बहुत है, इसलिए हर एक चीज में। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत भंडारा खिलाया गुरु जी को, बहुत भंडारा खाए भी, पर अब आपका बारी ये है कि कम से कम इतना सोचें, जैसे कुछ समय कल में परसों हमारे सक्सेना प्रभु है, मैंने जैसे ये प्रस्ताव उनके सामने रखा, मैंने उनको बुलाया था, मैंने कहा प्रभु जी ये ग्रंथ आप लेना, चलो मान लो आप शाम के टाइम फ्री हो गए, किसी आधा घंटे किसी के पास गए उसको समझा करके ग्रंथ दिया, आपके पास बहुत ऐसे लोग हैं, तो बोले ठीक है प्रभु जी दूंगा तो सही, पर मैं उनको क्या बोलूंगा, इसमें है क्या चीज, मैंने कहा यही तो चीज। इसलिए हम बहुत सरल ग्रंथ दे रहे हैं, गुरुदेव की बहुत कठिन ग्रंथ है पर हम देंगे सरल ग्रंथ, सरल ग्रंथ को आप ही पढ़ सक करके किसी को जो भी बोलोगे ना उसकी रुचि पैदा होगा, अब फिर वो क्या करेगा उसको पढ़ेगा तो वो दूसरा ग्रंथ मांगेगा, इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पता है उन्होंने क्या किया, कितने सालों से वो आकर के 3-4-5 साल से तो वो मंदिर में आते होंगे,
कभी भी उनको मतलब महाप्रभु के विषय में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। अब जैसे मैंने चैतन्य चरित पीयूष उनको दिया, अगले दिन मैंने उनको बोला कि आप आधा घंटे पढ़ना आपको पड़ेगा, एक घंटा आपको किसी भी प्रकार से प्रीचिंग के लिए देना पड़ेगा। उन्होंने आधा घंटा पढ़ करके दो टॉपिक उनमें से मेरे को सुना दिया। क्यों? क्योंकि जब जब एक व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, व्यक्ति कभी भी कोशिश नहीं करता। और इसीलिए हम लोग क्या है, इनएक्टिव है। हमारे भक्ति भक्ति के रुचि क्यों बढ़ नहीं रहा है? क्योंकि हम अपने आप में खुद को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। और देखो इस कॉल में अभी गुरुदेव कह रहे थे ना, कितने लोग अपने आप में प्रचार कर रहे, उनके अंदर होड़े होड़ क्या मतलब, मैं इस प्रकार से करूंगा। कोई हकला के बोल करके प्रचार कर देता है, आपको पता नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जैसे कौन है ना, यूपी स्टाइल में बोल कर, हाँ भाई एक ग्रंथ तो दे दे, ऐसे ऐसे बोल करके लोगों को प्रीचिंग कर देते हैं। कोई बड़े नम्र भाव से करता है, कोई किस प्रकार, जिसको जैसा आता है। कोई अच्छा एक्टिंग करता है तो यूट्यूब में वीडियो डाल देता है, कोई अच्छा कथा बोलता है तो जैसे अभी क्या है कि स्थिति थोड़ी खराब है, जूम एप्लीकेशन में बैठ करके लोगों को जोड़ करके वो प्रचार करने में लगे हुए हैं। पर हम ही लोग हैं जो कि हमारे पास सब कुछ साधन होकर के भी हम लोग नहीं कर पा रहे। इसमें क्या कारण है, क्यों हम इसमें पीछे है, सब मेरे को पता है। इसलिए कल हमने एक ऐसा क्लास रखा है, वो सेमिनार में 2 घंटा होगा। और आप लोग कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई 10:30 में तो बुलाया गया है, तो वही है इंडियन टाइमिंग के अनुसार हम तो 12 बजे ही पहुंचेंगे या 12:30 बजे ही पहुंचेंगे। इसलिए देखो कल आप लोग ठीक टाइम पे आना, क्योंकि परसों गुरुदेव की 2:30 बजे फ्लाइट है, वो चले जाएंगे जल्दी आप लोगों को, क्योंकि गुरुदेव को जल्दी ही फ्री करना है। और उसके बाद तुरंत एक हाउस प्रोग्राम भी है, उसके बाद कथा कीर्तन भी है, फिर उसके बाद भी कोई प्रोग्राम हो सकता है। इसलिए टाइम नहीं है, आप लोग जल्दी आ जाना 10:30 बजे ही। हम यहाँ पे वही पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाएंगे किस क्या कारण है हम आगे नहीं प्रचार कर रहे हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इन सारे चीजों को हम कल वो करेंगे। कुछ मोटिवेशन भी हमारे गुरु वर्गों ने किस प्रकार उन्होंने कहा परिश्रम करके हर एक एक रक्त बूंद देकर के किस प्रकार परिश्रम किया, इन ग्रंथों को कब हम लेकर के देंगे, कब हम पढ़ेंगे, हमारे जीवन का ये सार्थकता है। क्योंकि नहीं तो गुरु वर्ग आते हैं हमेशा अपने सेवा की हेतु बनाने के लिए, और हम अपने मनमर्जी के अगर गुरु जी की सेवा करने के लिए चाहेंगे, हो सकता है बहुत विलंब हो जाएगा। क्योंकि अगर जो गुरु जी की इच्छा है, जो गुरु परंपरा की इच्छा है, जो वाणी सेवा है, इसी को ही अगर हमने समझ गए, कभी भी एक महीने में 2 ग्रंथ भी हम किसको समझा पाए, यही हमारी सेवा होगी। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कल आप लोग ठीक टाइम पे आना 10:30 से ठीक 12:30 बजे तक। अगर आप 10:30 बजे आ गए और प्रोग्राम शुरू किया, ठीक 12:30 बजे तक हम आपको छोड़ देंगे। थोड़े से प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी, ज्यादा नहीं हल्का फुल्का ही है, ठीक है। गौर प्रेमानंद मंगलवार आप आ गए, आप लोग का काम नहीं था, काम नहीं है ना, सब लोग कोशिश करना आने के लिए, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी सेवा है, जैसे ग्रंथों को आप थोड़ा, आप तो सब लिखे पड़े हो, थोड़ी बहुत जो सब पढ़ोगे, लोगों को थोड़ा समझाओगे ना, आप देखना आपका भक्ति भी बढ़ेगा। हमने देखा जो व्यक्ति प्रचार नहीं करते ना, ठाकुर कथा नहीं बोलते, उनका भक्ति भी बढ़ती नहीं। हम विदेश प्रचार के लिए जाते हैं, जो लोग केवल प्रचार करते हैं उनका भक्ति बढ़ती, जो प्रचार नहीं करते ना उनका भक्ति धीरे 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 नीचे आने लग जाता है, और एक दिन तिलक कट्टी माला माला सब छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी बहुत अड़ोसी पड़ोसियों को समझाते हैं, लोगों कथा सुनाते हैं, उनका भक्ति हम देखता बढ़ता है। क्योंकि जब बोलोगे फिर वो देखेगा ना, हरिनाम करो, पहले तो खुद करना पड़ेगा, तिलक लगा पहले खुद का तिलक लगाना पड़ेगा, आपका भक्ति भी बढ़ेगी। आप देखना आपका भक्ति, अभी तो आप लोग का भक्ति है, फिर तो पता है आप लोग कर रहे हो, लेकिन उस समय आपका भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ेगी, एकदम आप एक्टिव बन जाओ। इसको में कहीं भी जाकर देखो, उनका दिल्ली में मंदिर 10 टेम्पल है, कितना टेम्पल है, और हर मंदिर में जाओगे ना एकदम एक्टिव देखो पूरा। मंगल आरती में आना तो आना, नहीं तो प्रसाद कर, और उसके बाद में सबको भेज देते हैं, जाओ घर घर में जाओ प्रचार करो, लाइव मेंबर बना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। उसके बाद में फिर आरती में अनाउंसमेंट होता है, आज इसने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ बचा है, इतने इन्होंने ठाकुर को सेवा किया, भिक्षा किया उनको ना, आप उनके किसी मंदिर में जाओगे ना, इतनी एक्टिविटी देखोगे, दंग रह जाओगे, इतने एक्टिविटी। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भी, आपका साध्य का अनुरूप बहुत ज़्यादा नहीं, साध्य का अनुरूप अगर 2-4 ग्रंथों को, अगर जैसे यहाँ पर कितने भक्तों लोग बैठे हुए, अगर एक भक्त अगर 2-3 भक्त ग्रंथ अगर किसको दे दिया ना, बस ग्रंथ खाली हो जाएगा, जिसको दोगे वो भी भजन करेगा, आपका भी भक्ति होगा।
ठीक है ना, इसलिए कोशिश करना कल आने के लिए, ये अपना गुरु सेवा ठाकुर सेवा मान करके आओ, थोड़ी सी उत्साह आपके अंदर में आए। हम चाहते हैं हमारी नवीन प्रभु भक्ति की धारा इधर लाए हैं, इसलिए हम चाहते हैं ये भक्ति धारा और भी धीरे धीरे बढ़ते रहे दुनिया में, और पूरा बढ़ो तो एक दिन ऐसे हो जाए पूरा कृष्ण भक्ति रस में पूरा बढ़ो तो नाच उठे, ठीक है। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बढ़ो तो भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, केले भी लाए ना, केले ले आओ। आज प्रभु जी ये बोल रहे थे, एक दिन आकर के बोल रहे थे जे हम चाहते हैं एकादशी का दिन है हम लोग अपना घर में नहीं मंदिर में यहाँ पर सत्संग की आयोजन करेंगे, आकर के बोले थे, इसलिए आज इनकी तरफ से ही, इनकी इच्छा भी आज के मेरे तरफ से, ये जो सत्संग है ये मेरे तरफ में हो, इसलिए इन्होंने इतने उत्साहित होकर के आए और इन्होंने इनकी तरफ से जो कथा जी हुई है इनकी तरफ से ठाकुर जी इनको खूब भक्ति दे और खूब और खूब साधु संतों की सेवा करते हैं। क्या नाम आपका? शशि मोहन गुप्ता। शशि मोहन गुप्ता जी, ठीक है, ठाकुर जी कृपा करके दरवाजा बेटा तुम भी केला केला इनके लाए ना, केले ले आओ सब, आप लोग केले प्रसाद ले लिया। हाँ सब पीछे पीछे सब कीर्तन कर लो। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सब प्रसाद ले।